तो वहीं अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने इंडिया न्यूज के साथ हुई बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर अपने संगठन के माध्यम से काम कर रही है। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा की सहयोगी रही है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ उन्होंने चुनाव को मिलकर लड़ा और अब 2022 का चुनाव भी अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े। हमारे संग अपना दल कृष पटेल जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, कैसी तैयारियां आपकी? देखिए, हमारी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर अपने संगठन में काम कर रही है और मजबूती से बूथ स्तर पर अपने संगठन को पहुंचाने का काम कर रही है। और हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सहयोगी दल हैं और 2022 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटों से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से तमाम दल जो है जाति सम्मेलन कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद जाति सम्मेलन पर रोक लगाई गई, तो ब्राह्मण सम्मेलन अब प्रबुद्ध सम्मेलन नाम से भी किया जा रहा है, आप लोग की क्या ऐसा आप लोग भी करने का है क्या? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी लगातार अपने संगठन पे काम कर रही है और हमारी पार्टी से सभी जातियां जुड़ी हुई हैं, तो जब हम अपना कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सभी जातियां आ जाती हैं, तो एक सम्मेलन ही है। ये आशीष पटेल जी थे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि इनकी जो पूरी दावेदारी है, पिछला जो विधानसभा 2017 का लड़ा, उसके पहले 2012 भी लड़ा और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की तरह इनके संग चुनाव में जो है वो लड़ेगी। और इनका ये भी कहना है कि वो प्रयास करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर भी आए साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस।